नमस्कार दोस्तों, इंडियन फूड रेसिपी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे का पानी, जिसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया। हमने ये एक कटोरी भर के हरा धनिया लिया है, इसे हमने पहले से ही धोकर सुखा लिया है। एक कटोरी हमने पुदीना लिया है, इसे भी हमने धो लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च जिसे हमने टुकड़ों में काट लिया है, 5 से 6 लहसुन, 2 इंच अदरक के टुकड़े, काला नमक जिसे सेंधा नमक भी कहा जाता है, सफ़ेद नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच हमने शक्कर ली है, 1/2 छोटा चम्मच हींग पाउडर, 1 बड़ा नींबू का रस, और गार्निशिंग के लिए हमने बूंदी ली है फीकी वाली। तो आइए शुरू करते हैं हम गोलगप्पे का पानी बनाना, जिसके लिए हम सबसे पहले चटनी बनाएंगे। तो हम एक जार ले लेते हैं, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये धनिया, पुदीना डाल देंगे, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, नमक, सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक हम पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा पानी में डालेंगे। शक्कर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे बारीक पीस लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी बारीक पीसकर तैयार हो गई है। अब हमने ये एक पॉट लिया है, हम इसमें चटनी निकाल लेंगे पूरी। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। ये जो हमने चटनी बनाई है इसमें हम 2 लीटर पानी मिला लेंगे। इतनी चटनी में हमारा 2 लीटर पानी आराम से बन जाएगा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसे हम मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें ये जो हमने नमक बचाया था ये डाल देंगे, नींबू का रस डाल देंगे, अगर आप हींग का फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप हींग डालिए, और अगर नहीं पसंद करते हैं तो आप बिना हींग का ही रखिए। हम इसमें हींग का फ्लेवर दे रहे हैं, इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसमें मार्केट में पानी पूरी का जो मसाला आता है आप वो भी रेडीमेड लाकर इसमें मिक्स कर सकते हैं, या चाट मसाला भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें ये बूंदी भी मिक्स कर देंगे। ये हमारा गोलगप्पे का पानी बनकर तैयार हो गया है। गोलगप्पे का पानी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।